पर आपके स्क्रीन पर है मनरेगा में 1278 पदों पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए। यहाँ पर देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया कि ग्राम विकास विभाग में मनरेगा के तहत 1278 पदों पर भरने की तैयारी शुरू की गई है, जिसमें ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी सभी जिलाधिकारियों व अन्य लोग जिला तैनात कार्यक्रम समन्वयकों के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रदान किया। 4500 सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 45,000 पद रिक्त हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी, यहां पर बड़ी अपडेट देख सकते हैं। तो आज की खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र हैं, गृहिणी हैं, सभी के लिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, आखिर सरकार किस सिलसिले में किस जगह कितनी भर्ती करने वाली है, आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि लखनऊ विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है, एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। आपको बता दें 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती पर रोक लगी थी। इंटरमीडिएट पास और 40 वर्ष की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और इन्हें 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब नए सिरे से रिक्त पदों पर निर्धारण करेगा और प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। पहले स्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 14 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे जाते थे। लंबे समय के बाद भर्ती न होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं, लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण होगा और इन पदों की भर्ती मंडलवार होगी, यानी कि जेम पोर्टल के माध्यम से संस्थाओं के संबंध किया जाएगा और सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए नियम व शर्तें तय की जाएगी। वहीं पर मंडलीय संयुक्त निदेशक जो है अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी।